काम इनको कैसा लगा? तो सर बताइए आपको हमारा काम कैसा लगा? काम तो बहुत बढ़िया बनाया इन्होंने, पता नहीं लग रहा है, नया दिख रहा है पूरा। आप लोग आना चाहिए तो आ सकते हैं, मगर नया था, अभी भी नया है, यह हमारा दिल के करीबी है, बहुत बढ़िया काम करते हैं, धन्यवाद। तो आप हमें 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे? 10 में से 10 है। तो गाइज ये तीसरी चौथी बार चांस हो गया जब हमें 10 में से 10 नंबर मिल रहे हैं, और कई बार कस्टमर ने प्लस भी दिए हैं, 11 भी दिए। तो गाइज आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में, मैं मुकेश फ्रॉम बाबा ऑटोमोबाइल वर्कशॉप से, और आज सामने गाड़ी खड़ी है आपके ग्रैंड विटारा, और इसके दोनों दरवाजे जो हैं लगे पड़े हैं यहाँ से, इसकी लाइन वाइन सब बैठ गई और किनारे से काफ़ी ज़्यादा लगा हुआ है, तो इसका करेंगे हम डेंटिंग पेंटिंग का प्रोसेस। तो उस्ताद जी हमारे आ चुके अपने टूल लेकर। उस्ताद जी क्या निकालने वाले हो इसका? उस्ताद जी इसका निकालेंगे डेंट और करेंगे इसका डेंटिंग पेंटिंग का प्रोसेस, तो बने रहो हमारे साथ इस वीडियो में। जो कल गाड़ी हमारे पास आई थी ग्रैंड विटारा, कल इसकी हमने डेंटिंग थोड़ी बहुत कर दी थी, बाकी जो है वो अब करी जा रही है, और गाड़ी वाले भैया और उनके बेटे साथ में आए हुए और अपने काम को बड़े गौर से देख रहे हैं कि किस तरीके से काम किया जा रहा है। और इनका मानना ये था कि भाई नई गाड़ी अगर कंपनी में दी तो नाना करते करते 10-15 दिन तो वो ख़राब करेंगे, शायद गाड़ी की ओरिजिनलिटी भी ख़राब करें, डोर वगैरह चेंज करें। तो इन्होंने कहा कि भाई बाबा ऑटोमोबाइल वर्कशॉप से अपना गाड़ी का काम कराएंगे, तो फिलहाल अगले डोर की डेंटिंग मैं आपको दिखा देता हूँ। दरवाज़ा काफ़ी लगा हुआ था जिसकी वजह से हमें ये पीछे से होल भी करना पड़ा इसके अंदर, लेकिन जब हम अपना काम करेंगे तो इसको वापस बंद कर देंगे इस तरीके से, ताकि किसी को पता भी ना चले कि ये लगा हुआ था। और फ्रंट साइड से जो डेंटिंग करी है उसके बाद देखने में पैनल ये ऐसा लग रहा है, अब जब पहले जब मैंने आपको दिखाया था वीडियो में तो आपने देख लिया होगा कैसा लग रहा था, लेकिन फ़िलहाल ये ऐसा लग रहा है। और इसके ऊपर अब जब बॉडी पिलर वगैरह भरा जाएगा, पट्टी वगैरह, तो ये बिल्कुल डिट्टो आ जाएगा जैसे कि जेन्युइन होता है। और साथ में जो दूसरा डोर था इसकी डेंटिंग भी करी जा रही है, और पीछे से ये भी काफ़ी एक साइड से दबा हुआ था तो इसमें भी होल करना पड़ेगा। होल करने के बाद प्रॉपर इसको निकाला जाएगा, और निकालने के बाद में फिर इसकी किनारी वगैरह बनाई जाएगी बॉडी पिलर से, और फिर गाड़ी हो जाएगी बेस से कम्प्लीट, बॉडी पिलर पट्टी वगैरह भर के इसको फिर तैयार कर दिया जाएगा। तो बने रहो हमारे साथ इस वीडियो में, बार बार आते रहेंगे, सब कुछ दिखाते रहेंगे। और गाड़ी है मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा। ग्रैंड विटारा के ऊपर जो है पेंटिंग का प्रोसेस चालू हो चुका है, तो पहले बॉडी पिलर भरा जाएगा और फिर उसके बाद काटा जाएगा, और जो डेंट था उसको कवर करा जाएगा। और कस्टमर सोच रहे थे कि हमारे सामने हो, लेकिन ये था कि काम बीच बीच में एक दो और देखने पड़ते, तो इस चक्कर में थोड़ा सा काम डिले हो जाता है, लेकिन ये है कि ज़्यादा लंबा काम है नहीं इसके अंदर, खाली इन दो कोनों कोनों को ही हमें सेट करना है और उसके बाद इसका पेंट का प्रोसेस करना है। तो मैंने सोचा आपको दिखा दूं, ताकि कस्टमर भी देखे वीडियो तो वो समझ जाए कि हमारी गाड़ी में किस तरीके से बॉडी पिलर भरा गया था। और अंदर की साइड से भी इसके अंदर हमने होल कराया, तो कस्टमर वेल्डिंग के लिए बोल रहे थे कि वेल्डिंग करवा देना, लेकिन फिर मैंने उनको मना करा, क्योंकि अगर वेल्डिंग करवाई जाएगी तो वेल्डिंग करने के बाद लोहे का जो टेम्पर होता है वो कमज़ोर हो जाता है, और वहाँ पर ब्लेड वगैरह मारने के बाद में, रेगमल मारने के बाद में अगर काम करते हैं तो वो कच्चा, मतलब टेम्पर जो कमज़ोर हो जाता है, फिर वो कच्चा होने के बाद जंग पकड़ना चालू कर देता है। तो मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा डेंटिंग पेंटिंग प्रोसेस डोर आपके सामने है। तो गाइस ग्रैंड विटारा के ऊपर जो बॉडी पिलर भरा था वो हमने फाइनली रगड़ दिया है, और रगड़ने के बाद जो है अब इसके अंदर पट्टी भर दी है। अब पट्टी थोड़ी देर सूखेगी, फिर उसके बाद चालू होगा पट्टी कटाई का प्रोसेस, तो वो भी आपको दिखाएंगे, बार बार रहेंगे, सब कुछ दिखते रहेंगे। गाड़ी है मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा, और अभी गाड़ी ज़्यादा पुरानी नहीं है, और जिनकी गाड़ी है पहले वो हमारे पड़ोसी थे, और फिर उसके बाद वो पालम शिफ्ट हो गए, तो पहले शिफ्ट थी इनके पास, और अब जो है गाड़ी ले ली इन्होंने ग्रैंड विटारा। तो कल ही हमारे पास आए थे, तो कल जितना काम हुआ हमने आपको दिखा दिया था, डेंटिंग वगैरह करी थी थोड़ी बहुत, बाकी जो था काम हमने आज कर दिया, और आज ये फाइनल करके हम उनको गाड़ी दे देंगे। तो अब चल रहा है इसका अभी रफ लगाया गया है, और अब चलेगा इसके बाद इसके ऊपर पट्टी कटाई का प्रोसेस, तो फिर आपको दिखाएंगे, तो बने रहो हमारे साथ इस वीडियो में, बार बार आते रहेंगे, सब कुछ दिखाते रहेंगे। गाइस पट्टी इसकी कट चुकी है और मास्किंग का प्रोसेस भी चालू हो चुका है, फिलहाल जो है थोड़ी सी मास्किंग और जो रह गई है वो भी कंप्लीट करी जाएगी, और उसके बाद पहले इसके ऊपर अस्तर मारा जाएगा, और फिर अस्तर के बाद बारी रहेगी इसमें एक बार दोबारा टकोरे चेक करने की, कहीं छोटा मोटा कोई टक स्क्रैच कुछ तो नहीं है, और फिर उस टकोरे को काटने के बाद मारा जाएगा इसके ऊपर नैरोलैक का वाइट पेंट। तो सारी चीज़ें आपको दिखाते हैं, तो मैंने सोचा ये आपको दिखाया भी जाए और बताया भी जाए। और जो अंदर की साइड से होल हुआ था वो भी बिल्कुल बंद हो चुका है, तो अब आपको दिखाते हैं इसका अगला स्टेप, तो बने रहो हमारे साथ इस वीडियो में। और गाड़ी है मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा, बार बार आते रहेंगे, सब कुछ दिखाते रहेंगे।
नहीं काम नहीं कर रहा है वीडियो बनाने में। हाँ लगे सर। बिल्कुल। और आज भगवान मेहरबान भी है, आज भगवान मेहरबान भी है। एक दो कंपनी गाड़ी आई है और एक जो है दो पीस की गाड़ी आई है और एक जो है दो पीस की गाड़ी आई है। हाँ तो गाइस इसके अंदर बेस कोट लग चुका था, उसके बाद टकोरे जो थे वो भी हमने चेक कर लिए हैं और अब बारी है इसके अंदर फाइनल पेंट मारने की। गाड़ी है ग्रैंड विटारा मारुति सुजुकी और अभी गाड़ी ज़्यादा पुरानी भी नहीं है, बिल्कुल नई गाड़ी है। और मैंने बताया भी था आपको जैसे कि ये कस्टमर हमारे जो है पड़ोसी रह चुके हैं और फिर उसके बाद ये पालम में रहने लग गए, शिफ्ट हो गए, तो उसके पहले इनके पास शिफ्ट थी और अब इनके पास ग्रैंड विटारा है। तो अब इसका चल रहा है फाइनल पेंटिंग का प्रोसेस, तो वो भी आपको दिखाते रहेंगे और बार बार आते रहेंगे, बने रहो हमारे साथ इस वीडियो में। तो गाइज फाइनल रंग डलने के बाद में क्लियर डलना शुरू हो चुका है इसके अंदर और डेंट चाहे थोड़ा हो चाहे ज़्यादा हो लेकिन पैनल पूरा ही पेंट मारना पड़ता है जैसे कि आपके सामने दिख ही रहा है। तो ये क्लियर जो है पूरे पूरे पैनलों पे मारा जा रहा है, दोनों डोर पर क्लियर की चमक शाइनिंग आप देख ही सकते हैं। और बाकी जब पेपर हटाए जाएंगे तो कलर मैचिंग का सिस्टम तब आपको दिखाएंगे, बार बार आते रहेंगे सब कुछ दिखाते रहेंगे। तो गाड़ी है मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा और आप देख सकते हो शाइनिंग इसकी की जैसे जैसे राजा पेंट मारता जा रहा है वैसे वैसे वो उसके अंदर दिखने लगा है। जो ग्रैंड विटारा हमारे पास आई थी डेंटिंग पेंटिंग प्रोसेस के लिए जिसका मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सारा काम दिखाया, तो फाइनली वो गाड़ी तैयार हो चुकी है और काम आपके सामने है। जो लाइन थी इसकी लाइनिंग आप देख सकते हो बराबर 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 बिल्कुल मिल चुकी है, कहाँ से फटा था कहाँ से फाड़ा था आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। और अंदर की साइड से भी अगर आपको दिखाते हैं तो ये देखो यही है वो अंदर की साइड जहाँ से फाड़ के हमने सुराख किया था और डेंट निकाला था, तो ये भी बंद हो चुका है। और अब गाड़ी देखने में बाहर से इस तरीके से लग रही है। तो बस अब ये वीडियो समाप्त हुई, आप मिलेंगे आपसे अपनी अगली वीडियो में और तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम, स्वस्थ रहें और व्यस्त रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। वेलकम बैक टू माई चैनल। और वीडियो तो मैंने कर दी थी एंड और ये भैया हमारे राजन पांडा जी जो हमारे पड़ोसी हुआ करते थे, हमारे साथ ही हमारी कॉलोनी में रहते थे और पहले इनके पास शिफ्ट थी, फिर उसके बाद इन्होंने अब ग्रैंड विटारा गाड़ी ली और हमने इनका डेंट पेंट का काम किया है। तो अब ये आपको बताना चाहेंगे कि हमारा काम इनको कैसा लगा। तो सर बताइए आपको हमारा काम कैसा लगा। काम तो बहुत बढ़िया बनाया इन्होंने, पता नहीं लग रहा है नया दिख रहा है पूरा। आप लोग आना चाहिए तो आ सकते हैं, मगर नया था अभी भी नया है, यह हमारा दिल के करीबी है, बहुत बढ़िया काम करते हैं, धन्यवाद। तो आप हमें 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे? 10 में से 10 है। तो गाइज ये तीसरी चौथी बार चांस हो गया जब हमें 10 में से 10 नंबर मिल रहे हैं और कई बार कस्टमर ने प्लस भी दिए हैं, 11 भी दे दिए हैं। तो बस इसी उम्मीद के साथ इसी ख्वाहिश के साथ हम काम करते हैं कि आप हमें जितना प्यार दे सको उतना देते रहो। तो ये वीडियो वैसे तो मैंने एंड कर दी थी लेकिन एक बार दोबारा एंड करते हैं, तो ये वीडियो यहीं तक, अब मिलेंगे आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम, स्वस्थ रहें और व्यस्त रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें।